वेलकम टू पाकिस्तान टाइगर। भाई साहब तबाही होने वाली है, यहाँ एक्शन वहाँ एक्शन, हेलीकॉप्टर से कूदते हुए एक्शन, हवा में एक्शन, ऊपर से जोया हमारी कैटरीना कैफ उसका दमदार एक्शन, बाइक पर एक्शन चल रहा है, मतलब भाई बहुत मज़ा आने वाला है। ट्रेलर में हमें इतना एक्शन देखने को मिला और जिससे पूरा पता लगता है कि यार मूवी में कहीं से कहीं तक एक्शन की तो कोई कमी नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ ये कि टाइगर के ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली है, मतलब टाइगर को ना ढेर सारा टेंस का माहौल देखने को मिलने वाला है। एक तो वो फैमिली मैन हो चुका है, ऊपर से बाप हो चुका है, हस्बैंड अलग है, फिर एजेंट अलग है, तो भाई जो लगने वाली है ना सॉलिड। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, ट्रेलर आ चुका है और ट्रेलर बहुत दमदार है। और मैं कह रहा हूँ, मैंने ट्रेलर को रिव्यू देने से पहले 2 से 3 बार देखा, क्योंकि मुझे एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ऐसा नहीं कि मुझे समझ भी नहीं आया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मज़ेदार ट्रेलर है, दमदार ट्रेलर है, VFX CGI ऑल आर अमेजिंग, एवरी सिंगल थिंग इन दिस ट्रेलर इज सुपर अमेजिंग, सुपर फैंटास्टिक, ऑसम। तो अभी शुरुआत करते हैं, लेकिन क्या करना है आपको, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो भाई साहब टाइगर 3 का ट्रेलर जो इतने टाइम से हाइप क्रिएट चल रही थी, जो वर्ल्ड कप डील साइन पे साइन हो रही थी, मतलब प्रमोशन में इतना बड़ा पैसा खर्च करा जा रहा था, वो क्यों करा जा रहा था, ट्रेलर देखकर साफ पता लग रहा है भाई, क्योंकि ये ऐसा कंटेंट तैयार हो रहा है भाई। पठान जवान एक बार के लिए डिमिनिश हो चुके, मतलब दिमाग से उतर गए जब इसका ट्रेलर देख रहा था। ऐसा एक्शन, मतलब देखो इस साल क्या है कि एक्शन मूवीज़ की बिल्कुल कमी नहीं है, एक्शन हमें हर फिल्म में लगातार देखने को मिल रहा है, पठान से लेकर जवान, फिर लियो, फिर गदर 2, और ऐसी ही बहुत सी फिल्में, मतलब भाई एक्शन की मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल कमी। तो ऐसा होता है कि सेम कॉन्टेंट में अगर मूवी आती है तो वो चीज़ एक के बाद एक बार के लिए पेट सा भर जाता है या मन सा भर जाता है। लेकिन जब टाइगर 3 का ट्रेलर अभी देख रहे थे, सब कुछ नया लग रहा था। इवन हॉलीवुड की मूवी अगर मैं मिशन इम्पॉसिबल का नाम यहां पर ले दूं तो भाई बिल्कुल दो राय नहीं है। जो बाइक वाला एक्शन है टॉम क्रूज की याद दिला रहा था, जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, VFX बहुत ही अच्छे इस्तेमाल कर रखे हैं, अच्छा काम कर रखा है, दैट्स व्हाई कि YRF इतना ज्यादा प्रमोशंस में इतना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। दूसरा ये, नाउ टाइगर ही इज द फैमिली मैन, बाप है और उसके बाद हस्बैंड है, रॉ का एजेंट तो अलग है ही, तो उसके ऊपर जो टेंस का माहौल आने वाला है, जो टेंशन पे घूमने वाली है। दूसरा इमरान हाशमी, ये क्या फाड़ू एंट्री ली है यार, ये बंदा मतलब खा जाएगा विलेन के रूप में, इस पर इतना भारी पड़ने वाला है, सलमान खान के ऊपर ज़बरदस्त भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ टाइगर फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना एक एक्शन लेगा, पहले अपनी जंग भी लड़ेगा और अपने आप को क्लीन भी रखेगा। टाइगर के मैसेज में हमने क्या देखा था कि वहाँ पर एक अलग वॉर चल रही है, बट यहाँ पर टाइगर 3 के जो ट्रेलर आया है इसमें क्या चल रहा है, बिल्कुल अलग वॉर चल रही है। वो बंदा फाइट कर रहा है, लेकिन टाइगर के मैसेज में जो इससे पहले टीजर आया था उसमें था कि ये देशवासियों से अपना क्लीन चीट मांग रहा था कि भाई मैंने इतने टाइम से इस देश के लिए काम किया है और आज मुझे गद्दार साबित किया जा रहा है, तो भाई उसमें भी काम करेगा, उस पर भी सेफली काम करेगा और दूसरी तरफ अपनी जंग भी लड़ेगा। तीसरी तरफ जो इमरान हाशमी, ये बंदा विलेन के रूप में ऐसे टूटने वाला है, तो भाई ये सब चीज़ें ना देख के मज़ा आने वाला है। तो बीच में एक कॉल आई थी कि आई नीड यू फॉर अ मिशन, कॉल आई नहीं थी, कॉल लगाई गई थी किसकी, टाइगर की तरफ से, आई नीड यू फॉर अ मिशन पर्सनल मैटर के लिए, नॉट फॉर रॉ। तो किसको लगाया होगा ये फ़ोन, सभी जानते हैं भाई पठान को ही लगाया होगा, और किसको लगाया होगा, क्योंकि पठान का सॉलिड कैमियो देखने को मिलने वाला है और ये चीज़ बहुत पहले से तय हो रही थी कि पठान इसमें आएगा। और वो क्यों आएगा, देखो वही कंडीशन बन गई ना, एक तो अपने देश के लिए तो इसे लड़ना ही लड़ना है, दूसरा अपनी फैमिली के लिए भी लड़ना है, तो यस यहाँ पर पठान जरूर उसकी फैमिली के लिए जाएगा और ये बंदा अपने देश के लिए लड़ेगा, यही एक सिनेरियो जनरेट होगा और यही होने वाला है। डायलॉग्स आर अमेजिंग, आतिशबाजी तुमने शुरू करी थी खत्म मैं करूंगा, कौन बोल रहा है, टाइगर बोल रहा है, किससे बोल रहा है, इमरान हाशमी से, जबरदस्त है ये भी। लास्ट में वो हेलीकॉप्टर में कूदने वाला सीन, यार क्या मस्त सीन है, मतलब VFX की यहां पर मैं दाद देनी पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से काम किया गया है, एक्शन स्टंट में बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, क्योंकि टाइगर 3 को जाना किस लिए जा रहा है, सिर्फ एक्शन के लिए जाने जा रहा है, और यही चीज इसकी जबरदस्त नहीं होगी तो भाई कहां से मजा आने वाला है। भाई एक्शन की कोई कमी ट्रेलर में नहीं देखने को मिली। दूसरी तरफ कैटरीना कैफ, भाई कैटरीना कैफ नहीं, कैटरीना खौफ हुई पड़ी है यहाँ पर, जो काम किया है, जो एक्शन देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से, और वो एक बीच में टावल वाला सीन जो फाइट चल रही थी, मतलब ये यहाँ पर ना फास्ट एंड फ्यूरियस के 7th पार्ट है या फिर कोई 8th पार्ट है, वहाँ पर रौंडा राव जी और वो लेटी का जो फीमेल वर्सेस फाइट चल रही थी वो सीन याद आ गया मुझे यहाँ पर, ज़बरदस्त। मतलब कैटरीना कैफ भी
टूट के बरस रही हैं इस बार भी। तो भाई ट्रेलर दमदार है, मूवी तो आग फाड़ के जाएगी ही जाएगी। वर्ल्ड कप डील में इतना पैसा खर्च किया, क्यों किया? क्योंकि ये कंटेंट है, दैट्स वाई की वायरफ प्रोडक्शन इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी मूवी के लिए। पठान जैसा कंटेंट ये पहले ही दे चुके हैं, टाइगर 3 तो फिनिशर है इनके लिए, बहुत फाड़ू होने वाला है। और वो एक डायलॉग यार जो लास्ट वाला जो टाइगर के मैसेज में भी हमें देखने को मिला था, औसम है यार, इसकी तो बात ही अलग है कि जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। और यस यस सलमान खान ना ये अपने ऊपर दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब मेरी 3-4 फिल्में अगर फ्लॉप चली भी गई तो अभी मैं मरा नहीं हूँ यार, अगर मैं जिंदा हूँ तो यस यहाँ से ब्लॉकबस्टर्स आने वाले हैं और इस फ्रेंचाइजी का ये सुपर अमेजिंग पार्ट होने वाला है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड से भी दमदार होने वाला है क्योंकि ट्रेलर ने दिखा दिया अपना दम। तो आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? भाई मुझे बहुत दमदार लगा। कितना वेट है आपको मूवी के लिए? नीचे सब कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना, एक्सपीरियंस अपना ट्रेलर का जरूर बता के जाना और ये भी बता के जाना कि आपने ट्रेलर अभी तक कितनी बार देख लिया है। मैं अभी 2-3 बार और देखूंगा क्योंकि भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, आंखों को अच्छा लग रहा है ये ट्रेलर देखने में। आपको कैसा लगेगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।